टनल में फंसी है 41 जिंदगियां, सरकार क्या उठा रही है कदम। 9 दिनों से टनल में फंसे हैं मजदूर, घर वाले लाचार, कुछ तो करो सरकार। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद में अब तक नहीं दिखी किरण की कोई उम्मीद, अब भगवान भरोसे 41 जिंदगियां। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर 41 मजदूर 9 दिन से फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने का काम लगातार जारी है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि श्रमिकों को बचाने के लिए 5 विकल्प कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन विकल्पों को पूरा करने के लिए 5 अलग अलग एजेंसियां तय की गई हैं। वो 5 एजेंसियां ONGC, SJVNL, RVNL, NHIDCL और THDCL है, जिन्हें ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलक्यारा सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना का हिस्सा है। सुरंग का निर्माण NHIDCL के तहत किया जा रहा है। निर्माणाधीन सुरंग का सिलक्यारा की ओर से मुहाने से 270 मीटर अंदर करीब 30 मीटर का हिस्सा पिछले 12 नवंबर सुबह करीब 5:30 बजे ढह गया था। तब से श्रमिक उसके अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या विकल्प हैं जिन पर काम किया जा रहा है। SJVNL सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहा है। सीमा सड़क संगठन द्वारा केवल 1 दिन में 1 अप्रोच रोड का निर्माण पूरा करने के बाद RVNL ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक और वर्टिकल पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया है। डीप ड्रिलिंग में विशेषज्ञता रखने वाली ONGC ने बरकोट छोर से वर्टिकल ड्रिलिंग का शुरुआती काम भी शुरू कर दिया है। कार्य सुरक्षा व्यवस्था के बाद NHIDCL सिलक्यारा छोर से ड्रिलिंग जारी रखेगी। इसकी सुविधा के लिए सेना ने बॉक्स पुलिया तैयार किया है। श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक छत्र ढांचा बनाया जा रहा है। THDC बड़कोट से माइक्रो टनलिंग का काम करेगी, जिसके लिए भारी मशीनरी पहले ही जुटाई जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है। पीएम ने उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की भी जानकारी ली। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए रविवार को घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और फंसे हुए मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। बैठक के बाद कॉन्फ्रेंस में गडकरी ने कहा कि वर्तमान में 6 योजनाएं प्रगति पर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर ऑगर मशीन ठीक से काम करती है तो हम अगले 2 से 2.5 दिनों में पीड़ितों तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विभिन्न संगठनों से जुड़े निजी सुरंग विशेषज्ञ बचाव अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और मदद के लिए अमेरिका और स्विट्जरलैंड से भी एक टीम को बुलाया गया है। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब दो घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्ट्राटा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए। 6 ही विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से, हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया है। जो BRO के थे उनको भी बुलाया है।
इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है और हम इस प्रकार से पूरा पहली बात यह कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे, ऊपर से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन टेक्नोलॉजी अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एयरलिफ्ट करके रोड बनाना है, वहाँ रोड बनाना BRO बना रही है इमरजेंसी मशीन ले जाने के लिए। इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत ज़रूरत है तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण पर, तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। बहुत से मशीन पहुँचे हैं।